तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के लिए एक अच्छी सी एक टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चावल से अपने घर पर कैसे साबुन बनाना है, जो आप ये साबुन मैं आप सभी को बनाकर दिखाऊंगी। जो भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे या झुरियाँ हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगी। आपकी स्किन बहुत ही अगर ढीली है तो वो भी टाइट हो जाएगी, बहुत ही आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा। तो फिर इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको चावल का आटा लेना पड़ेगा, जो आप अपने घर पर खाने में यूज़ करते हैं वही आपको यहाँ पर चावल का आटा लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से लेने के बाद में दोस्तों फिर फ्रेंड आपको यहाँ पे या दूसरी चीज़ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एलोवेरा जल लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कच्चा आलू लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये जो कच्चा आलू है आपके स्किन पे जो भी झाइयाँ झुरियाँ हो गई हैं, डार्क सर्कल्स है, ओपन पोर्स है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ग्लो भी लाएगी। तो फिर उसके बाद में कद्दूकस से आपको आलू को अच्छे से बारीक कट कर लेना है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैं अच्छे से कट कर लिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी कट कर लेना है। तो फिर कट कर लेने के बाद में दोस्तों फिर फ्रेंड आपको यहाँ पे एक खाली कटोरी लेना पड़ेगा, किसी सूती कपड़े से इसे अच्छे से जूस निकाल लेना है। तो देखिएगा फिर यहाँ पर मैं अच्छे से जूस निकाल कर आप सभी को दिखा रही हूँ, इसी प्रकार से आप सभी भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मेरा अच्छे से जूस निकलवाया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक चम्मच के करीबन एलोवेरा जल लेना पड़ेगा। तो फिर एलोवेरा जल है आपकी स्किन के लिए बहुत ही असरदायक है, जो भी आपके चेहरे पे प्रॉब्लम है वो सारी के सारी रिमूव करेगा, आपका चेहरा बहुत ही ग्लोइन और सॉफ्ट करेगा। तो फिर इसी प्रकार से एलोवेरा लेने के बाद में दोस्तों आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से इस प्रकार से मिला लेना है। तो फिर उसके बाद में एक खाली कटोरा लेना है। फिर आपको ये जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं नहाने के लिए, वो यहाँ पे आप साबुन ले सकते हैं, कोई भी साबुन हो जो नहाने में आप यूज़ करते हैं। तो फिर इसको भी अच्छे से बारीक कट कर लेना है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से कट कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कट कर लेने के बाद में फिर आपको एक गर्म पानी में इसे कटोरे को रख देना है। तो देखिएगा फिर यहाँ पर मैं गर्म पानी में रख दिया हुआ है। फिर जो आपने आलू को जूस निकाला हुआ था तो वो इसी में आपको डाल देना है। डाल देने के बाद में दोस्तों फिर आपको चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे चलाते रहना, जो भी इसका जो साबुन है वो अच्छे अच्छे से गल जाए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं चम्मच की हेल्प से चला रही हूँ, जो भी मेरी साबुन है वो अच्छे से गलना शुरू हो गई। तो फिर यहाँ पे आपको एक चम्मच के करीबन चावल का आटा भी इसी में डाल देना है। तो फिर मैंने डाल दिया हुआ है पहले से। तो फिर दूसरी फिर से आपको अच्छे से इसे चलाते रहना है, जो अच्छे से ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा तो आपकी जो साबुन है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। तो फिर इसे एक बार बना लोगे तो ये आपको 2-3 हफ्ते चलेगी साबुन, इसी से आपको नहाना है। जो भी आपके चेहरे हाथ पैर हैं पूरा फुल बॉडी आपका गोरा हो जाएगा। तो फिर इसी प्रकार से बना लेने के बाद दोस्तों फिर इसे अच्छे बाहर निकाल लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बाहर निकाल लिया। आपको कितना पड़ेगा, एक खाली कटोरी लेना है इस प्रकार से। कोई भी आपके घर में खाली कटोरी हो छोटी सी वो यहाँ इस प्रकार से ले सकते हैं। तो फिर जब ये खाली कटोरी में एलोवेरा थोड़ा सा आपको लगा देना है, अगर साबुन आप डालोगे जो चमड़ाई निकल बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगी। तो फिर इसी प्रकार से फिर आपको ये जो क्रीम है इसी में आपको कटोरी में सारी की सारी रख देना है। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से मैं रख रही हूँ, इसी प्रकार से आप भी रख सकते हैं। तो देखिएगा फिर मैं अच्छे से रख दिया हुआ, फिर आपको इसे अच्छे से सेट कर देना है। तो देखिएगा फिर मैं अच्छे से इसमें आपको सेट करके अभी दिखाऊंगी, इसी प्रकार से आप भी सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से बराबर में इस प्रकार से बना रही हूँ, सेट कर रही हूँ, इसी प्रकार से आप भी सेट कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से सेट कर लेने के बाद में दोस्तों फिर आपको इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही आपको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड जब ठंडा हो जाएगा तो ये आपकी साबुन की फॉर्म में आ जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर मेरे ठंडी हो चुकी है, बहुत ही साबुन की तरीका बन चुकी है। तो देखिएगा जब भी आप फ्रेंड इसे निकालें तो आपको इस प्रकार से निकालना है, 3 फिंगर की हेल्प से आपको इस प्रकार से रखना है 3 अंगुलियों को। फिर आपको चारों ओर इस प्रकार से घुमा देना है। तो देखिएगा फिर मैंने घुमा दिया हुआ है। फिर आपको इस प्रकार से साइड की हेल्प से इस प्रकार से निकाल लेना है। तो देखिएगा गाइज यहाँ पे मेरी कितनी अच्छी से साबुन बनकर रेडी हो चुकी है। तो फिर इसी से आप अपने हाथ पैरों को अपने चेहरे को इसे क्लीन कर सकोगे। तो फिर देखिएगा यहाँ पे मैं आपको अभी हाथ अपने अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है, फिर मैंने पानी से अपने हाथ को भिगो ली हूँ। फिर आप इसी में साबुन अपने हाथ पर लगा रही हूँ। लगा लेने के बाद में दोस्तों फिर आपको इसे अच्छे से पूरे हाथों पे इस प्रकार से लगा लेना है। जो भी हमारे हाथ पे गंदगी होगी, कालापन होगा, वो अच्छे से निकल जाएगा, मेरे हाथ पर बहुत ही गोरा हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो फ्रेंड गाइस इसे एक बार ज़रूर बना कर लगाना, बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। तो फ्रेंड ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना, तो बहुत ही असरदायक होने वाली है। तो फिर इसी प्रकार से बना लेने के बाद में दोस्तों फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों पूरे जब भी आप नहाने चलो तभी से इसी साबुन से अपने पूरे फुल बॉडी से नहा भी सकते हो, तो आपका फुल बॉडी बहुत ही गोरा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।